हमने एक अर्लियर एपिसोड में आंखों के संरचना के बारे में डिस्कस किया था, पर मुझे चश्मा क्यों पहनना पड़ता है। चलिए समझते हैं कि हमें चश्मा क्यों पहनना पड़ता है। एक नॉर्मल आंखें 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक देख सकता है। जी हाँ, अनंत तक, क्योंकि अरबों किलोमीटर दूर स्थित किसी नक्षत्र से जब रोशनी हमारे आंखों तक पहुंचता है तब हम उस नक्षत्र को देख सकते हैं, है ना। पर हर बार इमेज रेटिना पे ही बनता है। आंखों के लेंस से रेटिना का डिस्टेंस लगभग 2.5 सेंटीमीटर है। मतलब वस्तु का डिस्टेंस जितना भी कम या फिर जितना भी ज्यादा हो, इमेज डिस्टेंस हमेशा 2.5 सेंटीमीटर ही होना होगा। क्योंकि अगर रेटिना पे वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो हम उस वस्तु को ठीक से नहीं देख पाएंगे। मतलब वस्तु की दूरी चेंज होने पर भी इमेज डिस्टेंस सेम रहना होगा। ये तभी संभव है अगर हम लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सके, और आंखों के लेंस के साथ यही होता है। सिलियरी मसल्स जब रिलैक्स होता है तब लेंस और पतला हो जाता है और फोकल लेंथ बढ़ जाता है। इस वजह से हम दूर की चीजों को देख सकते हैं, और जब सिलियरी मसल्स संकुचित होता है तब लेंस का कर्वेचर बढ़ जाता है, मतलब उसका फोकल लेंथ कम हो जाता है। इसलिए आंखों के सामने स्थित किसी भी वस्तु का इमेज रेटिना पर बन सकता है। आंखों के लेंस का इस तरह से फोकल लेंथ परिवर्तन करने की क्षमता को एकोमोडेशन कहते हैं। चलिए देखते हैं आंखों के लेंस कितना एडजस्ट कर सकता है। एक वस्तु अनंत पे है, मतलब यू है माइनस इन्फिनिटी, और उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है, मतलब V है 2.5 सेंटीमीटर। तो लेंस के फॉर्मूला पे U और V पुट करते हैं और हमें मिलता है फोकल लेंथ इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ये है लेंस का मैक्सिमम फोकल लेंथ, क्योंकि अनंत से आगे कुछ भी नहीं। अगर कोई वस्तु आंखों से 25 सेंटीमीटर से ज्यादा करीब है तो उस वस्तु को हम ठीक से नहीं देख पाते। मतलब आंखों का लेंस इतना थिक नहीं बन सकता कि 25 सेंटीमीटर से भी ज्यादा करीब किसी वस्तु का इमेज रेटिना पे बना सके। सो ये 25 सेंटीमीटर पॉइंट को कहते हैं आंखों का नियर पॉइंट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -25 सेंटीमीटर और इमेज डिस्टेंस एज ऑलवेज 2.5 सेंटीमीटर। लेंस के फॉर्मूला पे ये इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं और हमें मिलता है फोकल लेंथ इज इक्वल टू 2.27 सेंटीमीटर। मतलब आई का लेंस का फोकल लेंथ 2.27 सेंटीमीटर से कम नहीं हो सकता। मतलब नॉर्मल आई लेंस का फोकल लेंथ 2.27 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर के अंदर रहता है। और जब किसी वजह से आंखों के लेंस का ये रेंज कवर नहीं हो पाता तब फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा लेंस मतलब स्पेक्टेकल्स यूज करना पड़ता है। अगर दूर किसी वस्तु से आती हुई किरणें लेंस से गुजरने के बाद रेटिना से पहले इमेज बना लेती है तो हम दूर की चीजों को ठीक से नहीं देख पाते। आंखों के इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं मायोपिया या फिर निकट दृष्टि। निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए हमें कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करना होता है। पकड़ लीजिए वो पर्सन पॉइंट एम तक ठीक तरह से देख सकता है, तो हम पॉइंट एम को कह सकते हैं फार पॉइंट। अब हम ऐसे कॉनकेव लेंस यूज करेंगे कि किरणें उस कॉनकेव लेंस से गुजरने के बाद फिर आंखों के लेंस से गुजरेगा और रेटिना पे इमेज बनाएगा। यहाँ पर ऐसे प्रतीत होगा जैसे वस्तु एम बिंदु पे स्थित है और कुछ बुजुर्ग सामने रखे हुए चीजों को नहीं देख पाते। उम्र के साथ सिलियरी मसल्स कमजोर हो जाने पर ऐसा होता है। इस दोष को हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इसको ठीक करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब हमें पता है कि लेंस का पावर इज इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ। अवतल लेंस का फोकल लेंथ है नेगेटिव, मतलब पावर भी नेगेटिव होगा। इसलिए जिसे मायोपिया या फिर निकट दृष्टि का प्रॉब्लम है उन्हें नेगेटिव पावर वाला लेंस दिया जाता है, मतलब अवतल लेंस। और उत्तल लेंस का पावर है पॉजिटिव, क्योंकि उसका फोकल लेंथ भी पॉजिटिव है। इसलिए आप एल्डर पीपल को पॉजिटिव पावर वाला लेंस इस्तेमाल करते हुए पाएंगे जो उत्तल लेंस है। अब कुछ बुजुर्ग व्यक्ति ऐसे चश्मा भी इस्तेमाल करते हैं जिसमें उत्तल और अवतल दोनों लेंस यूज होता है। उन्हें प्रेस बायोपिया या फिर जरा दूरदृष्टि का दोष होता है। सिलियरी मसल ज्यादा कमजोर हो जाने पर उन्हें दूर और नजदीक के वस्तु को देखने में बहुत प्रॉब्लम होता है। इसलिए चश्मे में ऊपर का हिस्सा अवतल लेंस और नीचे का थोड़ा सा हिस्सा उत्तल लेंस से बना हुआ होता है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। टेक केयर।